नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों आप सब कैसे हैं? भगवान की कृपा से आप सब अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे रहेंगे। दोस्तों आज हम कन्या राशि की संक्रांति का वीडियो लेके आए हैं। 17 सितंबर 2022 टाइम 7 आवर्स 23 मिनट टू 17 अक्टूबर 2022 टाइम 19 आवर्स 23 मिनट यानी 17 सितंबर 2022 से 17 अक्टूबर 2022 सूर्यदेव जो है कल सुबह कन्या राशि में प्रवेश कर गए, तो इसको हम कहेंगे कन्या राशि की संक्रांति। तो दोस्तों ये कन्या राशि की संक्रांति जो है 13 डिग्री की 13 डिग्री की संक्रांति है। अब ये 13 डिग्री की संक्रांति जो है ये बुलिश है या बेयरिश है, इसकी हम बात जो है करेंगे। इसके पहले दोस्तों जो मैंने आप सभी को वीडियो दिया था, कंपनी कुंडली का एनालिसिस दिया था और जो है उसमें मैं कुछ डे वाइज का प्रेडिक्शन भी दिया था। वो डे वाइज का प्रेडिक्शन जो है ओवरऑल जो है ठीक ठीक रहा, बहुत अच्छा नहीं रहा। फ्राइडे मैंने दिया था जो है वो सेकंड हाफ से बेयरिश होने का, तो फ्राइडे बेयरिश हुआ। मंडे और ट्यूसडे जो है कुछ बेयरिश होना था लेकिन वो बुलिश हुआ। और वेडनेसडे को जो है ट्यूसडे नाइट को अमेरिका की मार्केट में भयंकर गिरावट रही और सभी लोग बोल रहे थे कि अपना मार्केट जो है मेजर डाउन ट्रेंड में जाएगा, लेकिन मैंने दिया था कि वेडनेसडे थर्सडे मार्केट जो है वो बुलिश रहेगा। तो वेडनेसडे को आपने देखा कि गैप डाउन में मार्केट ओपन हुआ, उसके बाद जो है ज़बरदस्त रिकवरी उसमें आई। थर्सडे को भी मार्केट में अच्छी तेजी रही, बाद में मंदी हुआ। फ्राइडे को मंदी रहा। ओवरऑल का प्रेडिक्शन जो है वो ठीक ठीक ही रहा, ना बहुत अच्छा रहा ना बहुत खराब रहा। अब दोस्तों हम बात करते हैं जो है कि ये कन्या राशि की संक्रांति जो है, इसके पहले दोस्तों जैसा कि मैंने आपको सिंह राशि की संक्रांति मैंने आप सभी को दिया था कि सिंह की संक्रांति जो है वो बुलिश की संक्रांति है, और कुछ डेट मैंने मंदी की डेट भी दिया था और उसमें आपको तेजी का भी योग मिला और मंदी का भी योग आपको मिला। तो दोस्तों जो है ये आने वाला समय जो है कैसे रहेगा, जैसा दोस्तों अभी नहीं 2-3 महीना पहले मैंने आपको मार्केट का व्यू जो है दिया हुआ है ओवरऑल 2022 और 2023 आने वाला समय मार्केट के लिए खतरा बनेगा जो है, लेकिन अभी जो है वो सब होने में टाइम है, लेकिन फिर भी जो है आपको सतर्क हो के काम करना है क्योंकि आने वाला समय जो है वो बहुत ठीक नहीं है। इसलिए दोस्तों इन्वेस्टमेंट इतना ही करिए कि जिससे आपका जो है पूंजी घर पे जो है और बची रहे। यदि आप बड़ा इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो कभी भी आप ट्रैप में फंस सकते हैं, जो कि यदि आप एक बार ट्रैप में फंसेंगे तो आप लंबा जो है मार्केट में फंस जाएंगे। तो इस चीज़ का जो है आप विशेष जो है ध्यान रखिएगा। जहाँ भी आपको 10% 15% का रिटर्न आपको मिले, 20% का रिटर्न मिले, तो वहाँ आप एग्जिट करते रहिए जो है। तो इस चीज़ का दोस्तों ध्यान रखिएगा। कन्या राशि की संक्रांति में दोस्तों जो सेक्टर रहेगा जो है वो सेक्टर का जो है ध्यान रखिएगा। स्टील का सेक्टर, सीमेंट का सेक्टर, लेदर का सेक्टर, ये सेक्टर में जो है कुछ तेजी बनने का योग जो है वो बनता है। दोस्तों मैं हमेशा जो है अपने वीडियो में आप सभी को कहता हूँ, अपने ब्रॉडकास्ट के मेंबर को भी कहता हूँ कि इंट्राडे ट्रेडिंग से जो है बचिए, पोजिशनल ट्रेडिंग कीजिए, कॉल पुट ऑप्शन से बचिए, कॉल पुट ऑप्शन कीजिए। महीने में 2-3 बार आपने कर लिया
तो उसके बाद जो है आप बच के रहिए जो है, नहीं तो कॉल पुट ऑप्शन यदि आप डेली करेंगे तो कभी भी आपको प्रॉफिट जो है नहीं होगा। 100 में जो है 95 लोग जो है कॉल पुट में नुकसान करते हैं, 5 लोग ही प्रॉफिट करते हैं। 5 लोग वो होते हैं जो कि बहुत ही लकी होते हैं, उनकी कुंडली में प्लानिटरी पोजीशन बहुत बेटर होती है, उनकी कुंडली में 5वां घर बहुत अच्छा होता है, धन की पोजीशन बहुत बेटर होती है, राहु की पोजीशन बहुत बेटर होती है, जो कि इतना लकी सब नहीं हो सकते, क्योंकि कॉल पुट ऑप्शन डेली करना यानी कि सट्टा करना। सट्टा दोस्तों उन्हीं को प्रॉफिट होता है जिनका 5वां घर, 8वां घर, 11वां घर, दूसरा घर, राहु की पोजीशन ये सब जो है बेटर हो, उन्हीं को जो है सट्टे में लाभ होता है, नहीं तो सट्टे में जल्दी किसी को लाभ नहीं होता है। तो कॉल पुट ऑप्शन कीजिए, आज से नहीं दोस्तों, मैं 3 साल से आप सभी को बताता आता हूँ कि कॉल पुट ऑप्शन कीजिए, लेकिन महीने में 2-3 बार आपने कर लिया, जहाँ भी आपको 10-20%, 25%, 30% का प्रॉफिट मिले, वहाँ से आप निकल के जो है शेयर में जो है ट्रेड कीजिए, पोजिशनल ट्रेडिंग जो है आप कीजिए। आप जो है दोस्तों चाहे फाइनेंशियल ज्योतिष सीखिए, चाहे आप टेक्निकल सीखिए, कुछ भी सीखिए, लेकिन अच्छे से सीखिए। जो भी लोग एक दिन का कोई भी टेक्निकल की ट्रेनिंग देते हैं, वो सब एक दिन में कोई भी टेक्निकल नहीं आता है, वो सब लोग जो है ऐसा केवल बताते हैं, क्योंकि कई कई साल से लोग टेक्निकल करते हैं फिर भी प्रेडिक्शन 100% गलत होता है। ऐसे दोस्तों फाइनेंशियल ज्योतिषी जो भी हैं वो भी दोस्तों सीखने में कई साल लगते हैं। कोई आपको कहे कि फाइनेंशियल ज्योतिष मैं 1-10 दिन में सिखा दूंगा, 1-10 दिन में फाइनेंशियल ज्योतिष नहीं आएगी, उसमें आपको सालों की प्रैक्टिस करना पड़ेगा फिर आपको आएगा। तो दोस्तों आप कोई भी सिस्टम में जाइए, शेयर बाज़ार में जाइए, टेक्निकल सीखिए, फाइनेंशियल सीखिए, लेकिन जिनका लंबा कोर्स हो, 3 महीने 6 महीने का कोर्स हो, साल भर का कोर्स हो, उनके साथ आप सीखिए। 1-2 दिन की ट्रेनिंग से, टेक्निकल से जो है बचिए। जो भी सेबी रजिस्टर्ड टेक्निकल हैं उनसे सीखिए। फ्रॉडर्स से जो है, जितने भी लोग फ्रॉड करते हैं, डेली टेक्निकल सिखाते हैं, 1-2 दिन में टेक्निकल सिखाते हैं, उनसे आपको कुछ भी नहीं सीखने को मिलेगा, बल्कि आपका पैसा डूब जाएगा। तो सेबी रजिस्टर्ड टेक्निकल एनालिस्ट जो है उनसे सीखिए दोस्तों। जो फाइनेंशियल ज्योतिषी हैं, जो कि आपको फाइनेंशियल मार्केट सिखाते हैं, जिनका कोर्स जो है लंबा है, उनके साथ में सीखिए दोस्तों। अभी दोस्तों मैं कोई फाइनेंशियल ज्योतिष का जो है क्लास नहीं शुरू किया है, क्योंकि दोस्तों यदि मैं कभी शुरू भी करूँगा तो उसमें एक लंबा समय जो है लगेगा, और वो वही सीख सकते हैं जो 4-5-6 साल से कंटिन्यू ज्योतिष में प्रैक्टिस करते हैं, वही फाइनेंशियल ज्योतिष सीख सकते हैं। वो भी 3-6 महीना कोर्स करें, वो अच्छी मेहनत करें, और उसके बाद वो 6 महीना साल भर की प्रैक्टिस करें। फिर दोस्तों आप सभी को पता है कि मैं 17-18 साल से ज्योतिष में हूँ, 8-10 साल से मैं फाइनेंशियल ज्योतिष में हूँ, फिर भी आपको पता है कि मेरा भी प्रिडिक्शन खूब गलत होता है। प्रिडिक्शन गलत होता है दोस्तों, तो वो सीखने को मिलता है। मैं कभी भी नहीं कहता हूँ कि मैं बहुत बड़ा ज्योतिषी हूँ या मुझे बहुत ज़्यादा आता है। दोस्तों मैं अभी भी स्टूडेंट हूँ, अभी भी मैं सीख रहा हूँ, लेकिन ये है कि मेहनत कर रहा हूँ। सक्सेस रेशियो 70-75% तक जाता है, कभी कभी जो है और भी कम हो जाता है, कभी कभी 90% भी जाता है, लेकिन सक्सेस रेशियो 70-75% तक ही है। तो दोस्तों जो है ये कन्या राशि की संक्रांति, जैसा मैंने आप सभी को बताया दोस्तों कि ये संक्रांति जो है 13 डिग्री की संक्रांति है, और ये 13 डिग्री की संक्रांति जो है ये बुलिस की संक्रांति है, ये दोस्तों तेजी की संक्रांति है दोस्तों, जो है जो कि 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा, तो तेजी की संक्रांति है। लेकिन दोस्तों मैं हमेशा 3 साल से आपको बोलते आ रहा हूँ कि आपको कभी भी पूरा महीना नहीं रुकना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। जहाँ भी आपको 15-20% का रिटर्न आपको मिल जाए, वहाँ आप एग्जिट कर दीजिएगा, पूरा महीना कभी भी मत रुकिएगा। जैसा कि आपने देखते हैं दोस्तों कि यदि आप कॉल पुट में जो है खड़े हुए हैं,
महीने भर खड़े रहेंगे तो आपका प्रीमियम गल जाएगा। तो इसलिए दोस्तों मैं कोई भी डेली का प्रेडिक्शन नहीं देता हूँ, क्योंकि डेली में कभी भी सही नहीं हो सकता हूँ, कोई भी डेली सही नहीं हो सकता। जितने भी लोग यूट्यूब पे वीडियो देते हैं उन सबको पता है कि कोई भी डेली सही नहीं हो सकता है, क्योंकि इतने सारे योग बनते हैं। जैसे टेक्निकल में जो है पचासों जो है टेक्निकल टूल हैं, ऐसे ज्योतिष में पचासों सैकड़ों योग रोज़ बनते हैं। इसलिए दोस्तों कोई भी रोज़ सही नहीं हो सकता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। लेकिन बहुत अच्छे अच्छे ज्योतिषी हैं, शेयर मार्केट के बहुत अच्छे अच्छे सेबी रजिस्टर्ड टेक्निकल एनालिस्ट हैं। बाकी तो फ्रॉड जो है टेक्निकल वाले बहुत सारे पड़े हैं, जिनको कुछ नहीं आता है, सिर्फ रोज़ जो है दिन भर में 3-4 बार 2-3 बार वीडियो देते हैं। ये आप समझ लीजिए, जो भी लोग 3 बार 4 बार 2 बार वीडियो देते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल ज्योतिष हों चाहे वो टेक्निकल हों, तो उनका लेवल आप समझ लीजिएगा कि उनका लेवल कितना है। तो ये दोस्तों कुछ ज्ञान की बात है, आपको समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो भी अच्छी बात है। दोस्तों मेरा काम है ज्ञान को देना। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि ये 13 डिग्री की संक्रांति बुलिस की संक्रांति है, जहाँ भी आपको 15-20% का प्रॉफिट मिले वहाँ एग्जिट कीजिए, प्रिडिक्शन फेल हो जहाँ भी आपको 15-20% का नुकसान हो वहाँ आप एग्जिट करके हमारे अगले प्रिडिक्शन का इंतज़ार कीजिए। दोस्तों आप सबका बहुत सारा प्यार जो है बना हुआ है, रेगुलर आप सब हमारा वीडियो देखते हैं, इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि प्रिडिक्शन जो है ज़्यादा से ज़्यादा सही हो, आपको मेरे प्रिडिक्शन से नुकसान ना हो। तो दोस्तों आपको जो है कोई भी सर्विस चाहिए जो है उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कुंडली मिलान कराना है, कुंडली एनालिसिस कराना है, कंपनी कुंडली दिखाना है, तो उसके लिए संपर्क कर सकते हैं। शेयर मार्केट की दोस्तों कोई भी सर्विस जो है जो मैं देता हूँ अपने ब्रॉडकास्ट मेंबर को, वो दोस्तों मेरी सर्विस जो है वो बंद रहती है। वो मेरी सर्विस जो है 1 जनवरी से शुरू होता है और 31 दिसंबर को पूरा होता है। तो उसके लिए आप मुझे दिसंबर में ही संपर्क करिए, मैं बीच में जो है कोई भी मेंबर को नहीं लेता हूँ। इसके पहले के भी वीडियो में मैंने आपको बताया है, अभी भी मैं बता रहा हूँ दोस्तों, बहुत सारे लोग इंक्वायरी करते हैं कि मुझे आप अपने ब्रॉडकास्ट में ले लीजिए। मैं दोस्तों कोई भी डेली का ट्रेडिंग नहीं कराता हूँ, मेरे भी जो ब्रॉडकास्ट में मेंबर हैं मेरा काम है अस्ट्रो का रूल लिखना, ज्योतिष से जो योग बन रहा है तेजी का योग मंदी का योग, वही मैं ब्रॉडकास्ट में रेगुलर अपने मेंबर को लिखता रहता हूँ। बहुत सारे मेंबर हैं जो कि कई सालों से जो है वो जुड़े हुए हैं, 400 प्लस मेंबर दोस्तों ब्रॉडकास्ट में हैं जो है। तो इसलिए दोस्तों लेकिन मैं बीच में कोई भी सर्विस के लिए ऐड नहीं करता हूँ, उसके लिए आप मुझे दिसंबर में संपर्क कर सकते हैं 2023 के लिए। बाकी जो है इंडिविजुअल कुंडली दिखाना है, कुंडली मिलान कराना है, कंपनी कुंडली का एनालिसिस कराना है, तो उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9870312696। दोस्तों आप मुझे पहले व्हाट्सअप कीजिएगा जो है, आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है दिया हुआ है। तो दोस्तों हमारा ये चैनल अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा, और नहीं अच्छा लगे तो मत कीजिएगा दोस्तों जो है। अब दोस्तों हमारा ये डिस्क्लेमर है कि आपको शेयर मार्केट में कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेकर ही इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि मेरा और मेरा चैनल आपके नफ़े और नुकसान से कोई भी लेना देना नहीं है। ये मेरा प्योर एजुकेशनल बेस्ड चैनल है, मैं कोई भी टेक्निकल टूल का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, मैं प्योर ज्योतिष से जो है अपना व्यू जो है वो आपको देता हूँ। जय श्री राम।